हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल फैंसी हैंड व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बन जाएं। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले व्लॉग में देखा था, माशाल्लाह से हमारे TCB ने दोस्तों नीचे अंडा दिया, लेकिन अब फीमेल मुकम्मल तरीके से दोस्तों अंदर जाने लगी है। मटकी के अंदर जा रही है और बार बार अंदर जाती है। मतलब मेल ऊपर मटकी के ऊपर बैठा होता है और उसको बार बार बुलाता है अंदर। मतलब कि दोस्तों इस दफ़ा वो अंदर अंडे देगी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होकर माशाल्लाह से वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से ये भी पूछने कि कौन सी ब्रीड लाई जाए, मतलब न्यू एंट्री में, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं दोस्तों। और आज हमारे सेटअप पे दोस्तों इंतहाई खुशी की खबर है, इंतहाई खुशी की खबर है कि दोस्तों गोल्डन बैंडम के रिलेटेड है कि माशाल्लाह से दोस्तों अभी मैं अपने सेटअप पे आया हूँ। तो हमारे सेटअप पे दोस्तों मुझे आसार ही नहीं लग रहे थे, हालांकि आज हमारे गोल्डन बैंडम ने दोस्तों सेटअप से चले जाना था, लेकिन आज इसने दोस्तों कमाल कर दिखाया। वो देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारी दोस्तों इस फीमेल ने अंडा दे ही दिया आखिरकार। और इसने मतलब साबित कर दिया है कि मुझे सेटअप से, मेरे साथ दोस्तों हमेशा से ये होता है कि जिसको हम सेटअप से निकालने का सोचते हैं वो फ़ौरन से अंडा दे देते हैं। पता नहीं ये मुझसे डरते हैं कि या हमारा परिंदा यहाँ पे खुश है और कहता है यहाँ पे हमें खुराक अच्छी मिलती है, इस वजह से दोस्तों कहीं और जाना ही नहीं चाहते। ऊपर देखें दोस्तों सबराइट का, सबराइट के केज में भी दोस्तों आपको अंडा दिखाई दे रहा होगा। ये देखें पीछे इनका अंडा भी पड़ा हुआ है। जब से मैंने इनको सोचा था कि इनको अपने सेटअप से निकालूं, इन्होंने नेक्स्ट अंडा दे दिया। और ब्लैक टेल जैपनीज का भी दोस्तों आज सबके अंडे फ्रंट फ्रंट पे आए हुए हैं। और माशाल्लाह से क्योंकि अब सीजन चल रहा है, सीजन में दोस्तों माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड को अंडे आते हैं। और ये देखें दोस्तों ये पेयर जो बिल्कुल मेरे मुताबिक, मतलब एक फीमेल इसकी जैसे कि आपने देखा था वो काफ़ी एजेड होने की वजह से मतलब शायद एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों हमारी इस फीमेल ने माशाल्लाह से दोस्तों आज साबित कर दिया है कि ये भी अंडे देती है। और ये देखें दोस्तों हमेशा की तरह इसने पुरानी याद ताज़ा की है। जब ये दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप पे आए थे तो दोनों फीमेल ने छोटे छोटे अंडे दिए थे, और आज पता चलता है कि दोस्तों ज़ीरो साइज़ बैंटम का अंडा कैसा होता है। इसका बिल्कुल जैसा इसका कलर है दोस्तों गोल्डन, वैसे ही ये गोल्डन अंडे दिया करती थी। और काफ़ी मैं इन अंडों को दोस्तों मिस कर रहा था, और आज इसने दोस्तों ये अंडा आहरकार दे ही दिया है। मुझे काफ़ी मतलब इसको टच करके भी अच्छा लग रहा है कि हमारी इस फीमेल ने दोस्तों अंडा आहर दे दिया है। और शुक्र है दोस्तों कि इसने अंडे दिए। अब हम इसके अंडे के इंक्यूबेटर में रखेंगे, लेकिन अब आप दोस्त बताएं कि इसका क्या किया जाए, क्या इसको सेटअप से निकाला जाए या नहीं। मुझे तो दोस्तों इसने पजल कर दिया ये अंडा दे के, तो मैं तो दोस्तों सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि इसको सेटअप से निकाला जाए या इसको सेटअप पे रखा जाए। तो आप दोस्त कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा दोस्तों, क्या हम गोल्डन बैंटम को अपने सेटअप पर अब रहने दें, या इसको दोस्तों अंडा देने के बावजूद इसको दोस्तों अपने सेटअप से निकाल लें। तो माशाल्लाह से दोस्तों ये देखें ब्लैक टेल जैपनीज़ और इसके अंडा में फ़र्क, कलर भी देखें ब्लैक टेल जैपनीज़ का देखें। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इनके अंडे हमारे पास आ गए हैं। सबराइट का अंडा भी मैं निकाल दूंगा आज हमारा दोस्तों। सबराइट का मेल थोड़ा बहुत आपको देखें कुछ मतलब एक्टिव नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत सुस्त खड़ा हुआ है, इसको भी दवाई वगैरह देंगे। तो नीचे कैज में देखते हैं, नीचे भी दोस्तों माशाल्लाह से हमारा ब्लैक बैंटम का भी एक अंडा दोस्तों मुझे दिखाई तो दे रहा है। इसको मैं खोलता हूँ, ये मेल देखें अभी बाहर आएगा ये दोस्तों, और अंदर से मैं अंडा उठा लूँगा इसका, मेल को दोबारा दोस्तों इस तरह बंद कर देंगे, क्योंकि इस मेल को देख के हमारे साइड वाले जो मेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। ब्लैक बैंटम कंडा आ गया। और दोस्तों इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ जो है उस तरफ है, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आप दोस्त समझ गए होंगे कि क्या गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सुरखे की जो फीमेल है दोस्तों उसने दोबारा से अंडा दे दिया। और अंडा दोस्तों जो हमने ऊपर क्रेट रखा था माशाल्लाह से दोस्तों अंडा उसने ऊपर वाले क्रेट में दिया, और इस टाइम पर सुरखा खुद ही बैठा हुआ है। और ये देखें दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि सुरखे को उड़ाता हूँ बाहर और आपको वो अंडा दिखाता हूँ, क्योंकि आप दोस्त भी एक्साइटेड होंगे कि भाई हमें ये वाला अंडा लाजमी दिखाना है। तो ये अंडा दोस्तों इन्होंने कल रात ही दिया है, कल रात जैसे जो मैं मुझे शक था क्योंकि फीमेल अंदर काफ़ी देर से बैठी हुई थी और इसने दोस्तों इधर मतलब अंडा देना था, तो सुबह में आया अंडा इनका दोस्तों उधर ही पड़ा हुआ था। TCB इससे पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको दोस्तों वो मेल बाहर निकाल के और वो आपको दिखाता हूँ अंडा। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से हमारे TCB अब मुकम्मल आवाज़ें निकालते हैं और काफ़ी खुश भी हैं। यहाँ पे मटकी में आना जाना इन्होंने लगा लिए, मतलब अनकरीब इन्होंने अंदर अंडे देने हैं, जो कि हम देख भी नहीं सकेंगे क्योंकि अंदर हमारा हाथ सिर जाता है और मटकी में वो जब हमें तभी पता चलेगा जब फीमेल अंदर ज़्यादा बैठने लगी, तब हम मतलब पहचान जाएंगे कि हमारे दोस्तों इन्होंने TCB ने अंडे दे दिए हैं। तो उस तरफ जो दोस्तों हमारे नीचे पिजन बैठे हुए हैं अंदर मतलब क्रेट में, तो उनके अंडों पे आई थिंक क्रैक लगने दोस्तों स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ पर क्रैक लगने आज रात या कल रात वहाँ पर भी हमारे बेबी पिजन आ जाएंगे। ये वाला दोस्तों बेबी पिजन नीचे बैठे हुए वो देखें आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह से अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और इसके पर वगैरह भी आ गए हैं।
तो अब ऐसा करता हूँ दोस्तों, इस मेल को पहले बाहर उड़ाता हूँ, पेटी को बाहर रखूंगा ताकि ये उड़ जाए, फिर आपको इसका एग भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने जो सुरखा हमारा पिजन है उसको बाहर निकाला ताकि वो उड़े, और मैं आपको दोस्तों आराम से इसका अंडा पहले दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों हमारे पिजन का पहला अंडा आ गया है, और काफ़ी पतला और पतले मतलब छिलके वाला अंडा है। लेकिन दोस्तों माशाल्लाह से कबूतरों के ऐसे ही अंडे हुआ करते हैं, और इसी में से फर्टाइल भी हो करते हैं। मुझे पहले शक था काफ़ी पतले अंडे होते हैं और फर्टाइल नहीं होंगे, लेकिन माशाल्लाह से दोस्तों अभी ये पहला अंडा आया है। आज शाम को या कल शाम को मतलब एक दिन बाद ये दूसरा अंडा देते हैं। तो अब तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों कबूतरों का भी तजर्बा होता जा रहा है। पहले मैंने पिजन का इतना तजर्बा नहीं था, कैसे पेयर बनते हैं क्या होता है, अब तो दोस्तों काफ़ी इसमें भी एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ। मुर्गियों में तो क्यों, हमारा चैनल फैंसी हैन ब्लॉग था तो उनमें एक्सपर्ट था ही, लेकिन अब इसमें भी हो रहा हूँ। आज दोस्तों आपको अपना बेबी पिजन जो है वो भी दिखा लेता हूँ। माशाल्लाह से दोस्तों बिल्कुल अपनी माँ पे गया हुआ है। ये देखें आप इसका कलर देखें, यहाँ पे यहाँ से वाइट है, नीचे से ब्लैक है, सर से ब्लैक है। आपको अब इसकी फीमेल जो इसकी माँ है दोस्तों वो दिखाता हूँ, बिल्कुल आप उसको देखेंगे और इसको देखेंगे, सेम पता भी लगता है भाई कि इसी का बच्चा। देखें सर से ब्लैक है, बाकी वाइट है, दुम ब्लैक है, और यहाँ पे आए ये देखें सर से ब्लैक है, दरमियान में वाइट है, दुम ब्लैक है, मतलब सेम वही है और एक ही बच्चा बच्चा था माशाल्लाह से। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया हमारा बेबी पिजन, और इसको दोबारा से अंदर छोड़ता हूँ ताकि वो, अब तो दोस्तों क्योंकि फादर आके इसको फीड करवाता है, मदर का काम दोस्तों, क्योंकि अब बारी बारी इनके आपस में चेंज होता है, मतलब कभी एक फट कभी एक आके इंक्यूबेट करता है, कभी दूसरा आके इंक्यूबेट करता है। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि हमारी दोस्तों इधर जो बैठी हुई है शेरनी, उसका भी आपको दीदार करवा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों शेरनी, आजकल क्योंकि गर्मी भी है थोड़ी सी, तो ये कभी अंडों पे मतलब कभी कुछ अंडे नीचे करती है, कुछ साइड से मतलब कुछ को इंक्यूबेट पहले करती है, फिर मतलब चेंज करती रहती है इस तरह आपस में। और माशाल्लाह से हमारे चूज़ों का दोस्तों मैंने बल्ब अभी अभी बंद किया क्योंकि गर्मी बढ़ रही थी, तो इस वजह से मैंने बल्ब उनका बंद कर दिया था। और हमारी हैरी दोस्तों अभी भी अंडे दे रही है जो कि मैंने शेरू के साथ लगाई हुई है। माशाल्लाह से दोस्तों इसके हमारे पास डेली अंडे आ रहे हैं, कुछ टूट जाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी दोस्तों प्रॉब्लम की वजह से नीचे फर्श पे दे देती है, और उसकी वजह से अंडा इसका क्रैक हो जाता है जो कि हमारा डायरेक्ट फ्रिज में चला जाता है, खाने पीने के तौर पे यूज़ हो जाता है। बाकी ये देखें हमारा हैकर दोस्तों, जब से इसको बाहर निकाला है माशाल्लाह से दोस्तों ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, बनस्पत पहले काफ़ी ज़्यादा सर अंदर किया होता था और कुछ ठीक नहीं लगता था। मामू दोस्तों अब इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन है ज़िंदा है माशाल्लाह से। इसको मतलब हम जो जिस तरह हमने पहले बोला था इसको ज़बह करें, लेकिन दोस्तों इसको ज़बह करने का हम सोच भी नहीं सकते। जितनी इसकी लाइफ है ये खाएगा, फीड खाएगा, ज़िंदा रहेगा हमारे सेटअप पे। तो वहाँ पे दोस्तों आपको इंशाल्लाह मैं आगे चल के इनके, क्योंकि क्रैक लग चुके हैं अंडों पर, तो उसके बाद अभी इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि अंदर हैं वो, काफ़ी ज़्यादा आखिरी टाइम है, बच्चा हैच होगा। तो दोस्तों ये हमारे ज़ूम्बी आ रहा है, ज़ूम्बी हालांकि मुझे ज़ूम्बी पर दोस्तों ये था कि एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से दिन ब दिन दोस्तों इसमें बेहतरी आ रही है और बेहतर होने की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारे दोस्तों गोल्डन बेंटम ने हमें बेतहा खुश किया, क्योंकि मैं इसको आज यकीनन दोस्तों शाम को मैं इसको अपने सेटअप से निकालने वाला था, लेकिन इन्होंने अचानक से अंडा दे दिया। तो अब मुझे दोस्तों मैं पजल हो चुका हूँ कि क्या किया जाए, आप दोस्त बताएं क्या न्यू एंट्री, तो दोस्तों वैसे भी हमने लानी है, न्यू एंट्री लाएंगे, लेकिन इस गोल्डन बेंटम का क्या हम इसको भी मतलब एक्सचेंज कर लें। तो इंशाल्लाह न्यू एंट्री में कमेंट्स में मुझे बताएं कौन सी ब्रीड दोस्तों जो ज़्यादा जिसके कमेंट है इंशाल्लाह वो ब्रीड लाएंगे। तो दोस्तों दुआ में मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल क्या व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वहाँ जाओ, और दोस्तों लाल बटन को दबा दो, वहाँ पर भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।